और आप मतलब प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब से क्या क्या गैजेट लिए हैं? अभी मैंने प्रेजेंट टाइम में पर्सनली तो मैंने फर्स्ट इनकम जो मेरी आई थी अप्रोक्स। दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर का लड़का में। तो आज हमारे साथ है रवि सर, जिनका एक यूट्यूब चैनल है, एक नहीं मतलब बहुत चैनल है, और इनके जॉब नगर चैनल पे हाल फिलहाल में 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। तो वेलकम सर हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज हम कुछ सर सवाल लेके आए जो हमें भी जानना है और ऑडियंस के मन में भी है। तो आप देख सकते हैं, तो सर से पूछते हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन है कि सर मैं आपको बता दूं कि सर हमारे को मतलब मेरे को पढ़ाते थे 10th क्लास तक इन्होंने पढ़ाया हमें, और फिर पता नहीं क्या हुआ फिर उन्होंने टीचिंग को ऐड कर दी। मैथ के टीचर थे बहुत बढ़िया। तो सर क्या रीज़न था? जैसे कि ये बात कई बहुत कम लोगों को पता है, जो मेरे नोन है कि उन्हीं को पता है कि मैं टीचिंग लाइन से भी हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी था। मैंने इनको भी पढ़ाया हुआ है। 10th क्लास तक के मैं क्लासेस लेता था, मैथ का मैं टीचर था प्राइवेट स्कूल में, और 5-6 साल मैंने कंटिन्यू पढ़ाया। उसके बाद में 11th 12th भी स्टार्ट करी थी, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल में पेमेंट का भी इशू रहता है, कम मिलता है, फिर खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस टाइम तक जब मैंने मतलब 2 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, तो मेरा कहीं ना कहीं एक था कि हाँ अब स्कूल से निकल कर मुझे कंपटीशन लाइन में जाना है। तो मैं उस चीज़ की तैयारी करने लग गया कि मैं कंपटीशन पढ़ाऊँ मैथ में। और अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग भी कर दिया, कुछ कंपटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनकी हमने प्रिपरेशन कराना भी स्टार्ट किया है। तो उस टाइम तक यूट्यूब की अर्निंग भी इतनी आने लग गई थी कि स्कूल में जितनी मिलती है उससे थोड़ी ज़्यादा ही आ जाती थी, तो चल जाता था। तो मैंने फिर प्रॉपर जो है स्कूल छोड़कर यूट्यूब पे फोकस किया थोड़ा, और अपनी तैयारी और टीचिंग जो कंपटीशन के लिए था उन पर थोड़ा फोकस किया, इसलिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। दूसरा सवाल है कि सर आपकी जो इनकम थी फर्स्ट इनकम, वो कितने दिन में आई थी और कितना टाइम लगा था, और प्रेजेंट टाइम में आप कितनी इनकम कर लेते? जो फर्स्ट इनकम जो मेरी आई थी अप्रोक्स चैनल स्टार्ट करने के 1 साल के अंदर मेरी पहली इनकम आई थी, मतलब 7-8 महीने। तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और जैसा हमारा कंटेंट था तो जयपुर में उस हिसाब का माहौल नहीं था कि लोग ऑनलाइन फ्रॉड से डरते थे। तो हमें थोड़ी सी उस टाइम पे परेशानी हुई थी कि रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाते थे जिसके पास जाते थे, पहले उसको प्रॉपर समझाना, उसके बाद में वीडियो के लिए रेडी होते थे। थोड़ी हमें भी नॉलेज नहीं थी, तो कम से कम 7-8 महीने हमें चैनल मोनेटाइज करने में लगे, और जो पहली इनकम आई थी वो अप्रोक्स 3 से 4 महीने बाद मोनेटाइजेशन के बाद में $100 की हुई थी। और अभी प्रेजेंट टाइम में इनकम? अभी प्रेजेंट टाइम में इनकम जैसे ये यूट्यूब की पॉलिसी के तो है नहीं कि एग्जैक्टली इनकम बता पाए, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो जाती है, आराम से आप अपना घर परिवार चला सकते हैं। और जैसा मेरा चैनल है तो YouTube से मुझे कम आता है, मैं मार्केट से वीडियोस के चार्जेस जो लेता हूँ तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ी ज़्यादा इनकम हो जाती है, तो अप्रोक्स हो जाती है 50+ हो जाती है आराम से। और आपकी जर्नी बताना चाहेंगे कुछ तो दर्शकों को? जर्नी तो देखिए, जो चैनल है जॉब नगर वो एज ए हम दोस्तों ने स्टार्ट किया था, लेकिन हमारा मोटिव एक अलग था। जैसा जॉब नगर, काफ़ी लोग पूछते भी है जॉब नगर, तो माइंड में आता है कि ये कोई ऐसा चैनल जिसमें जॉब के बारे में बताया जाता है, तो उनकी वो थिंकिंग सही होती है। क्योंकि जो स्टार्टिंग हमने करी थी जॉब नगर, वो हमने एक जो जॉब नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि टीचिंग लाइन से मैं पहले तक तो उसी टाइम पर मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने उस टाइम पर जो एक क्रेज़ था कि हाँ जॉब की नोटिफिकेशन वीडियो बनानी है, लोग सर्च भी करते थे कि कौन सी वैकेंसी आई है, तो उस मोटिव से हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, और इसीलिए जॉब नगर उसका नाम रखा था। लेकिन 1-1.5 महीने की वीडियो डालने के बाद में भी कोई रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो हमारे थोड़ा सा एक आया था कि स्टूडेंटों के लिए एक सस्ते लैपटॉप बनाने की सस्ते लैपटॉप जो है बताएं, जो एक हमारे नॉन थे कंप्यूटर जंक्शन, जिनकी वीडियोज़ हम रेगुलर लाते हैं, तो उनकी वीडियो हमने बनाई थी पहली मार्केट की, और वहीं से बूम आना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे जो चैनल है ये इस मार्केट की कैटेगरी में आ गया, और हमने मार्केट की वीडियोस बनाने लगे। हालांकि इसमें हम हमारे जो सारे मेरे जो दोस्त हैं, फैमिली है, सबने सपोर्ट किया था, और अभी भी जो मेरे साथ में जो पहले दोस्त जुड़े हुए थे वो अभी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इस चीज़ में काफ़ी साथ रहा है, और वो अभी तक मेरे चैनल पर साथ में काम करते हैं।
और बीच में आपका चैनल हैक भी हो गया था, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे कैसे वापस हाँ, आया, क्या हो ये गया था? अपना जब शायद 35,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे तो जॉब नगर हैक हो गया था, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जो ग्रोथ मिली थी वो एक बिल्कुल डाउन चली गई थी, लेकिन रिकवर हो गया था। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था तो रिकवर हो गया था। 10 दिन के आसपास लगे थे, लेकिन जो ग्रोथ पहले मिल रही थी हैक होने से पहले वो ग्रोथ नहीं मिल पाए थे। तो कह सकता है एक हैक होने के बाद में जो है जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो 0 लेवल से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर थी। फिर वीडियोस डाली, फिर दोबारा ग्रोथ आने लगे, व्यूज आने लगे, तो ये था। और आप मतलब प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब से क्या क्या गैजेट लिए हैं? अभी मैंने प्रेजेंट टाइम में पर्सनली तो मैंने मेरे लिए एक बाइक ली थी, सबसे पहले मैंने उसी पे इन्वेस्ट किया था। और उसके अलावा फिर मैं पहले फ़ोन से वीडियो बनाता था, अभी उसके बाद में मैंने एक कैनन 200D लेंस लिया था, और जो उसके बाद में जो अपग्रेड किया मैंने लेंस, अब जो है अपग्रेड किया था, एक वाइड एंगल लेंस लिया उसके बाद में। और रिसेंटली अभी मैंने एक रोड का वायरलेस माइक लिया, क्योंकि उससे वायर वाले से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो अभी कुछ 15-20 दिन पहले मैंने रोड का माइक लिया है। आप अभी जो हो प्रेजेंट टाइम में, अभी तो यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम कर रहे हो, लेकिन जब शुरू में आपने चैनल स्टार्ट किया था तो आपसे कई लोग जलते भी होंगे। जैसे मैंने भी स्टार्ट किया है तो कई लोग बोलते कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसे कहने को तो कहते थे, उस टाइम पे भी कहते थे, लेकिन मेरे को मुझे मेरे केस में ये रहा कि मुझे ऐसे लोग कम मिले थे। मतलब जो भी मिला मेरी फैमिली में, मान लीजिए रिलेटिव में या फिर दोस्तों में, सबने सपोर्ट ही किया, क्योंकि उसका एक रीज़न था कि मैं उसमें पार्ट टाइम करता था। मेरी जो स्टडी थी या फिर मैं टीचिंग कराता था उससे जो टाइम बचता था, उसके बाद में मैं यूट्यूब संभालता था, तो उसमें ज़्यादा मेरी जो डेली रूटीन थी उसमें इतनी इफेक्ट नहीं हुई, तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था इस बारे में। तो मुझे ऐसे लोग कम मिलेंगे जो ऐसे करेंगे भी हाँ नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, जो ठीक था। मतलब मेरे केस में ऐसे कुछ बहुत कम लोग मिले जिन्होंने कहा, लेकिन एक चीज़ थी कि भाई जब आप कर रहे हो आपका कुछ इन्वेस्टमेंट तो जा नहीं रहा है। मैंने जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैंने 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। जिस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं दोस्तों के फ़ोन से वीडियो शूट कर लेता था, उसी से इनकम आई तो फ़ोन अपग्रेड किया, इनकम आई तो फिर कैमरा अपग्रेड किया। तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं ना के बराबर किया, जो भी किया है सब यूट्यूब के थ्रू किया है। तो मुझे ऐसे लोग कम मिले हैं, लेकिन आज अगर कुछ एक दो लोग भी होंगे तो वो चैनल की ग्रोथ देखते हैं, तो आज ऐसा कुछ नहीं है, सक्सेस सबका मुंह बंद कर देती है, ऐसा बहुत हाँ कम तो लोग अभी हैं। आपके चैनल की ग्रोथ देखे कितने लोग जलते होंगे, तो उनके लिए आप कुछ कहना नहीं चाहोगे? नहीं ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई जलता नहीं है, हालांकि बहुत कम लोग हैं। मैं तो मार्केट में रहता हूँ तो सब यही चाहता है कि चैनल ग्रो होगा, तो इनडायरेक्टली उन्हीं का बेनिफिट है, और जो दोस्त रहे वो सारा सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।